वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको समय समय पे कुछ ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी और आपको जीके की भी क्लासेस मिलेंगी और इन फ्यूचर आपको एक नया बैच भी उपलब्ध होने वाला है मैथ रीजनिंग से रिलेटेड भी, तो उसी क्रम में आज हम लोग साइंस की ट्रिक्स देखेंगे, साइंस पे कुछ ट्रिक्स। बच्चों, एग्ज़ाम्स में हमसे पूछ दिया जाता है, बीमारियों का नाम दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि ये बीमारियां किससे जनरेट होती हैं, इनका पैथोजन क्या है। तो उस समय थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न होती है, उसी कन्फ्यूज़न पे आधारित ये हमारी बीमारी है। ध्यान रखेंगे इसमें है क्या कि वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है, ए चाचू इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो, ए चाचू इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो। इन शब्दों से ही कुछ बीमारियों का रिलेशन बनाया गया है जो कि वायरल से होने वाले हैं। ध्यान देंगे ए शब्द से, आप देखेंगे ये शब्द से कौन सी है, एड्स नामक जानलेवा जो बीमारी है आप जानते हैं वो होती है, जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरल से होने वाली बीमारी है। चाचू शब्द में चेचक जो शब्द है, चा से चेचक, चेचक वाली बीमारी वायरल बीमारी है। इन्हें वाले शब्द में ई से इन्फ्लुएंजा और हे से हर्पीज जो है बीमारी है, यह भी वायरल बीमारी है। आगे बढ़ेंगे, डा से डेंगू बुखार और यहाँ टो शब्द से ट्रकोमा, यह दोनों बीमारियाँ भी वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। इसी क्रम में बच्चों नीचे वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, यहाँ ख शब्द से खसरा है, खसरा वह भी एक तरह से वायरल बीमारी है, डिजीज है। रे शब्द से रेबीज, गाल में ग शब्द से गलसुआ और पर में प शब्द से पीलिया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, छापो शब्द में जो ये छ लिखा है, छ से छोटी मात्रा जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और पी से पोलियो। तो या यहाँ जो पो शब्द लिखा है पोलियो में, छापो में, प से यहाँ पोलियो जो है डिजीज बनेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पचीज, डेंगू बुखार, ट्रकोमा, खसरा, रेबीज, मल्स बिलिया, छोटी माता और या जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं पोलियो, ये सारी जो डिजीज हैं वो वायरल डिजीज हैं। तो अगर आपको कभी सेपरेट करना हो एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से कर सकें, इस कारण ट्रिक्स को तैयार करते रहिएगा बच्चों। आगे और क्लासेस के साथ हम आपको मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।